नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। हम पढ़ेंगे कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया, वहाँ पर पूरा उनका जो आंदोलन वहाँ पर रहा रंग भेद की नीति को लेकर वहाँ की सरकार के खिलाफ, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है, जो कि काठियावाड़ की जो प्रिंसली स्टेट थी, रजवाड़ा था, उसमें होता है। उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे उस स्टेट के, और गांधी जी ने कानून पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं और 1893 में वो साउथ दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं, क्योंकि उनके एक क्लाइंट थे जो कि उनको एक वकील के तौर पर लेकर गए थे। उस क्लाइंट का उनका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला। अब दक्षिणी अफ्रीका में जो इंडियंस थे जो वहाँ पर रह रहे थे वो 3 तरह के थे। पहले तो वो जो ऐसी लेबर थी, इंडेंचर्ड लेबर, जिनको कि जो काम करते थे शुगर के खेतों में, जिनको कि लाया गया था वहाँ पर लेबर करने के लिए। दूसरे वहाँ पर वो इंडियंस थे जो कि व्यापारी थे, जो कि ज़्यादातर मीमन मुस्लिम्स थे। तीसरे वहाँ पर एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स थे, एक ऐसे लेबर क्लास जो कि अब वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ही रहने लगी थी। तो इंडियंस को वहाँ पर बहुत सारे अधिकार नहीं देती थी वहाँ की सरकार। कौन कौन से? एक तो उन लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इंडियंस वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में केवल कुछ एक क्षेत्रों में ही रह सकते थे, और उनकी जो कॉलोनीज़ थी एशियंस की और अफ्रीकन्स दोनों की, वो 9 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं आ सकते थे, और वो पब्लिक फुटपाथ्स भी कई बार उनको इस्तेमाल करने से उनको रोका जाता था। अब देखते हैं कि गांधी जी जब वहाँ पर जाते हैं और वो किस तरह से इन चीज़ों की खिलाफत करते हैं। सबसे पहले तो एक मॉडरेट फेज़ होता है गांधी जी की जो स्ट्रगल का, इसको हम कहेंगे कि 1894 से लेकर 1906 के बीच में ये मॉडरेट फेज़ रहा था। गांधी जी ने सबसे पहले तो वहाँ पर पिटीशन सेंड की वहाँ की अथॉरिटीज़ को, और इंग्लैंड को भी पिटीशन सेंड की कि भाई आप ये ये जो स्टेटस इंडियंस को यहाँ पर मिला हुआ है, आप इसको, इस चीज़ के बारे में वो उनको अवेयर करना चाहते थे, उनको जागरूक करना चाहते थे कि देखिए जो भारतीय हैं वो, क्योंकि ब्रिटिश भारतीयों के ऊपर राज करता है, तो फिर अंग्रेज़ों को पता होना चाहिए कि किस तरह से रंग भेद की नीति अपनाई जा रही है इंडियंस के खिलाफ दक्षिणी अफ्रीका में। और गांधी जी ने फिर इस फेज़ में ही नेटल इंडियन कांग्रेस को बनाया, और उन्होंने पब्लिश भी किया यहाँ पर एक अखबार इंडियन ओपिनियन नाम से। नेटल इंडियन कांग्रेस को उन्होंने बनाया है और इंडियन ओपिनियन नाम से अखबार को उन्होंने बनाया है। अब देखते हैं इसके बाद 1906 के बाद गांधी जी फिर एक पैसिव रेजिस्टेंस फेज़, सत्याग्रह आरंभ करते हैं 1906 से 1914 के बीच में। ये दूसरा फेज़ होता है इस पूरे आंदोलन का। इसमें गांधी जी क्या करते हैं, एक पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस, जिसे वो सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे वो सत्याग्रह कहते थे, इसमें उन्होंने कार्य किया। उन्होंने सत्याग्रह किस चीज़ को के खिलाफ किया? पहली बात सर्टिफिकेट्स की यहाँ पर बात थी, क्योंकि एक नया कानून आया था दक्षिणी अफ्रीका में, और ये इसमें कानून के तहत ये था कि सभी को कंपलसरी किया गया था कि इंडियंस के पास अपना हमेशा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो बनवाएंगे, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वो अपने साथ हमेशा ही रखेंगे। गांधी जी इसके पूरे खिलाफ थे, उनको इस चीज़ की वजह से जेल भी भेजा गया, और फिर भी उन्होंने गांधी जी के कहने पर बहुत सारे वहाँ पर जो इंडियंस थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया, और अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनके बने हुए थे वो उसको अपने साथ नहीं लेकर जाते थे, और बहुत सारे लोगों ने पब्लिकली लोगों के सामने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जलाया भी है। तो फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज़ भी इसमें बाद में आता है। दूसरी इसमें उन्होंने जो कैंपेन किया वो कि इंडियन माइग्रेशन को लेकर था। इसमें एक नया कानून दक्षिणी अफ्रीका की सरकार लेकर आती है, जो कि कहती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है इंडियंस की माइग्रेशन के ऊपर, और इंडियंस को ये जो लॉ है उसके अनुसार वो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जा नहीं सकते थे जब तक कि उन्होंने कोई लाइसेंस नहीं ले लिया था। तो इसके विरोध करते भी इंडियंस को, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था वहाँ की सरकार ने। तीसरी कैंपेन थी उनकी पोल टैक्स के खिलाफ में। पोल टैक्स क्या था? 3 पाउंड पोल टैक्स देना पड़ता था सभी एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस को, यानी कि ऐसे
इंडियंस, जैसे कि अपने हम भी पढ़ा ना कि तीन तरह के इंडियंस वहाँ पर रहते थे, तो जो तीसरी तरह के इंडियंस थे जो कि पहले लेबर के लिए वहाँ पर आए थे लेकिन अब वो सेटल्ड हो चुके थे दक्षिणी अफ्रीका पर भी पर ही, तो उनके जो एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस थे उनको उनके ऊपर 3 पाउंड्स का पॉल टैक्स सरकार ने लगाया था और इंडियंस इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। और दूसरा उन्होंने दूसरी और जो दूसरी और सबसे जो बड़ी बात थी यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने जो नया अजीब सा कानून लाया था वो कहते थे कि भाई जो भी क्रिश्चियन रीति रिवाजों के हिसाब से जो शादियाँ नहीं हुई हैं वो सारी शादियाँ उन्होंने इनवैलिड करार दे दी अपने नए कानून के अनुसार। इससे बहुत ही गुस्सा था इंडियंस के अंदर, हिंदूज़ के अंदर भी, मुस्लिम्स के अंदर भी, और उनके यानी कि जो बच्चे हैं वो भी इलिजिटिमेट हो गए हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा विरोध करने वाली बात थी। तो इंडियंस ने इसको बहुत ही अपमानजनक माना और ख़ास तौर पर औरतों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इसके खिलाफ में। इसी के साथ एक ट्रांसवर्सल इमिग्रेशन एक्ट भी वहाँ की सरकार लेकर आई थी कि इंडियंस ने अपनी मर्जी से वो नेटल से ट्रांसवर्सल जाना चाहते थे उनको जेल में डाल दिया गया। और इंडिया में यहाँ पर गोखले जो थे उन्होंने भी दक्षिणी अफ्रीका में इस तरह के जो कानून बन रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किए थे। अब हम बात करते हैं कि जो गांधी जी ने जो बहुत सारी वहाँ पर मूवमेंट्स चलाई हैं उसके साथ साथ ही, जैसे भारत में भी गांधी जी यहाँ पर अपना एक आश्रम चलाया करते थे, उसी तरह से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में भी उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म, क्योंकि वो टॉल्स्टॉय जो लेखक थे ना उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी, तो उनके नाम से उन्होंने वहाँ पर खेत बनाए थे जिनको टॉल्स्टॉय फार्म कहा जाता था। और इसको गांधी जी ने 1910 में बनाया गया था क्योंकि गांधी जी एक जो रशियन राइटर था टॉल्स्टॉय उसके बहुत बड़े फ़ैन थे। 1904 में वो पहले एक फीनिक्स फार्म भी यहाँ पर बना चुके थे नेटाल में, यहाँ का एक शहर है जो, और इससे वो चाहते थे कि लेबर की, लव की, डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस की, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें सबको, लड़कों और लड़कियों को, उनको कुकिंग, सफाई करना, सैंडल बनाना, कारपेंट्री आदि सिखाए जाते थे ताकि वो सोशल सर्विस करें, समाज के लिए कुछ कार्य करने सीखें। तो बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं, गांधी जी बहुत सारे यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं गांधी जी और हार्डिंच के बीच में, और फिर एक अग्रीमेंट होता है जिसमें कि इंडियंस की जो ज़्यादातर डिमांड्स होती हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाती है दक्षिणी अफ्रीका के सरकार के द्वारा। अब गांधी जी को पता चल जाता है कि गांधी जी यहाँ पर जो कितने सारे सत्याग्रह यहाँ पर करते हैं, इनसे गांधी जी को ये चीज़ पता चलती है कि जो आम लोग हैं, जो मासेस हैं, उनमें कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो गवर्नमेंट को किस तरह से हिला सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा, गांधी जी को इंडियंस को यूनाइट करना आ गया और अलग अलग तरह के आदमी, औरतें, अलग अलग धर्मों के लोगों को उनको यूनाइट करना आ गया, उनमें एकता बनानी आ गई। इसी चीज़ का फिर गांधी जी ने तजुर्बा लिया और फिर वो उन्होंने भारत के ऊपर इन चीज़ों को लागू किया। अब देखते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। गांधी जी की जो डेफिनेशन थी सत्याग्रह की उसको हम पढ़ते हैं। सत्याग्रह एक गांधी जी की एक टेक्निक थी, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सच्चाई के लिए आग्रह करना। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने इस टेक्निक को बनाया था और ये सत्य और अहिंसा के ऊपर बेस्ड थी। सत्याग्रही क्या करता था? सत्याग्रही कभी भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था जिसको वो खुद गलत मानता हो, और सत्याग्रही बॉयकॉट और विड्रॉल के प्रिंसिपल जो उसूल हैं उसके ऊपर चलता था, और टैक्स नहीं देता था, ऑनर्स जो उसको दिए होते थे वो उनको छोड़ देता था। जो असली सत्याग्रही होता था वो कभी भी बुरी चीज़ के खिलाफ अपना सिर नहीं झुकाता था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका में होने वाला जो एक्टिविटीज़ हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।